कोरोना वायरस में हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमें मार रहा है, तो ये बोलना गलत भी नहीं होगा। बेसिकली ये हमारी लंग्स की डिजीज़ है। तो इसमें क्या क्या तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, एक साइटोकाइनिन नाम का केमिकल होता है। तो बेसिकली ये आपकी आरबीसीज और आपकी वाइट ब्लड सेल्स ने रिलीज करती है जब भी कोई एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल इस पर रिएक्ट करता है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन एक्टिविटी हो रही है, कोई आ गया। अब क्या होगा, क्योंकि ये नया है इसीलिए बॉडी को पता नहीं है कि इसके अगेंस्ट हमें कैसे लड़ना है। तो जब हमें पता ही नहीं है इसके अगेंस्ट कैसे लड़ना है, तो हम इससे फाइट बैक कैसे करेंगे ना। तो ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है ये साइटोकाइनिन नाम के केमिकल की, इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो अपना जो इम्यून सिस्टम है यही हमें सप्रेस कर रहा है, यानी इसके वजह से जो पेन होता है, जो अच्छे इम्यून सिस्टम वाले लोग होते हैं वैसे तो सर्वाइव कर जाते हैं, इस पेन को झेल लेते हैं, बट ज़्यादातर लोग इसके वजह से मर जाते हैं। तो चाइना में हुई रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जो साइटोकाइनिन स्टॉर्म है, जो बहुत ज़्यादा मतलब ये केमिकल जो रिलीज़ हो रहा है, इसके वजह से लोगों की डेथ हो रही है। तो हमारा ये अपना इम्यून सिस्टम की सप्रेसिंग पावर है जिसके जो जिसे हम झेल नहीं पा रहे, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जिसके वजह से सांस लेने में तकलीफ जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इन इन चीज़ों को हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, और बेसिकली क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। तो ये अपना इम्यून सिस्टम हमें क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। अभी इम्यून सिस्टम हमारा नेचुरल प्रोसेस है, इम्यून सिस्टम को इस तरीके से रिएक्ट करना इसकी नेचुरल प्रोसेस है। तो अभी जो हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट या रिसर्चर्स हैं वो इस तरीके की दवाइयाँ डेवलप कर रहे हैं जो इस सप्रेसिंग पावर जो सप्रेस करने वाले जो ये साइटोकाइनिन हैं इनको थोड़ा मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में हमारी बॉडी में रिलीज़ करवाए, जिस वजह से क्या हो पाए, हमें पता चला हमारी बॉडी को इतना पेन ना झेलना पड़े, जिसके वजह से क्या हो जा रही है, डेथ्स हो जा रही है। तो ये कोरोना से जो डिज़ीज़ हो रही है, यानी जो आपका SARS-CoV-2 वायरस है, इसके वजह से डिज़ीज़ हो रही है COVID-19, हम इसके वजह से ना मर के, हम मर किसके वजह से रहे हैं, अपने हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से। और बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लंग्स में इसलिए हो रही है क्योंकि लंग्स में ये डिज़ीज़ प्राइमरीली अटैक करती है। अटैक करने के साथ साथ लंग्स में हमारा बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होता है, यहाँ हमारे ब्लड में प्रेशर बनता है, ऑक्सीजनेट होता है ब्लड। तो इस वजह से यहाँ पर इस केमिकल का और भी ज़्यादा भयानक रूपों में देखने को मिल रहा है। आई होप गाइस जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आपको समझ आया हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।